एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सजन सचा पातशाह सिरशाह देशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो श्लोक महला पहला दीवा बलै अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए दीवा बलै अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा खाए उगवै सूर न जापै चंद जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करहें विचार बिन बूझे सब होए हुआर नानक गुरमुख उतरस पार महला पहला शब्दै साध ना आयो नाम ना लगो प्यार रसना फिक्का बोलना नित नित होए खुआर नानक पैं किरत कमावना कोए ना मेटनहार पौड़ी जे प्रभ साला हे अपना सो शोभा पाए हौ मैं विचों दूर कर सच मन वसाए सच बाणी गुण उच्चरै सच्चा सुख पाए मेल भया चिरी विछुन्या गुरपुरख मिलाए मन मैला इम सुध है हर नाम ते आए मेल भया चिरी विछुन्या गुरपुरख मिलाए मन मैला इम सुध है हर नाम ते आए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार अजमत शाम समय सी सत्संगत दे पल प्राप्त कीते ने लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या विच सूही राग ये असी विचारदे हाँ इस राग विच वार रूप
बाणी गुरु अमरदास साहब द्वारा उच्चारण की गई पावन रचना ही सानू प्राप्त है। आप जी ने अजे तक दी विचार विच इस पावन रचना विचों 16 पौड़ियां व्याख्या समेत सरवण कीतियां ने। अज 17 नंबर पौड़ी ते नाल लगदे श्लोकां दा पाठ आपनू स्रोत करवाया है। धन गुरु नानक साहब जी दे उचारण कीते गए श्लोक ने। श्लोक प्रारंभ हो रहे हैं। श्लोक महला पहला। दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। मैटाफोर आ जिन्हों कह लो प्रतीक, जिस दे जरिए गुरु बाबा जी सानू ज्ञान दी, एजुकेशन दी, एक्चुअली इनफॉर्मेशन दी, ते होर डीप लैवल ते कह लवो कि जिहड़ी इनर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग, उहदी इंपोर्टेंस की गल कर रहे हैं, उहदी महानता की गल सानू समझा रहे हैं बड़े कमाल दे मैटाफोर दे नाल। पहला अखरी अर्थां दे नाल बात प्रारंभ करते हैं, फिर जिस कॉन्टैक्सट विच गल आ रही है सारी उहदे च बात पावांगे। दीवा बलै अंधेरा जाए। दीवा जिहनूं असीं अज दी इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट करांगे ते लैंप, बलै इफ वी लिट इट, जे असीं इहनूं आ जिहड़ा हैगा जगा दईए बाल दईए। अंधेरा जाए, डार्कनेस गो अवे, मतलब जिहड़ा अंधेरा है कालापन आ वह मिट जांदा है। एग्जैक्टली वेद पाठ मत पापा खाए, इत्थे लफ्ज़ वेद पाठ आया है। इहदी ट्रांसलेशन विच कई वारी असीं सिर्फ वैदिक फलसफी या वैदिक ज्ञान की गल कई वारी करदे लोग, पर एक्चुअली जदों वैदिक ज्ञान की गल आएगी उह कहा वेद पाठ संसार की कार। इत्थे वेद का मतलब एक अध्यात्मिक ज्ञान भी है, तो यह नहीं कि जो पुराणक वैदिक रचनावां ने उन्हां दे विच कुछ चंगा नहीं गा। गुरु ग्रंथ साहिब ही ने जिन्हां ने बात की कि वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै ना ही फिरै जो बेतालिया, कि उन्हें च जो कुछ चंगा आ बंदा वह सुनने की बजाय कितने होर ही गवाच गया। सो जिहड़ी गुण की गल आ, चंगयाई है, वह तो हर थां ते है। हाँ, कितने बिल्कुल सरफेस ते है, बिल्कुल जिवें नचोड़ के चीज़ रखी गई हुंदी है, बिल्कुल छाण के प्रॉपरली हीरे मोती जोहरात कढ़ के जिवें गुरु ग्रंथ साहिब दी रचना आ, ते कई बार कई जगह ते बड़ी चुब्बियां ला ला के बड़ी मुश्किल नाल लभनी पैंदी इधर उधर जाके। मोस्टली जिहड़ा एंशियंट बहुत पुराना लिटरेचर आ उहदे विच बहुत सारियां गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां वक्त विहाज चुकियां ने या जिन्हां च बड़ा सुपरस्टिशियस सिस्टम ते सब चीज़ां पईआं ने, पर बहुत सारा ऐसा भी है जिहड़ा को कम दा। सो गुरु महाराज बयान करदे उस कम दे नूं फड़ो भाई, उहनूं उस दी गल करो। बाकी जिहड़ी गल इत्थे वेद दा मतलब इत्थे ज्ञान ते ज्ञान हो जो बंदे दे जीवन नूं अंदरों सवरण वास्ते मदद करे, अंदर दी तब्दीली विच मदद करे, उहदी बात हो रही है जिहनूं असीं इनर ट्रांसफॉर्मेशन कहिंदे आ, बंदे दी इनर डिवेलपमेंट कहिंदे आ, बैटरमेंट कहिंदे आ, उहदी गल हो रही है। सो सब कहिंदे वेद पाठ मत पापा खाए। मत पापा, पाप काइंड ऑफ सिनर प्रोसैसिंग और थिंकिंग आई शुड से, ते मत बंदे दी कॉन्शियस, बंदे दी सोझी, बंदे दा ओ ब्रेन दा ते माइंड दा हिस्सा जिदे विच विजडम वसती आके, पर जे विजडम दी अनहोंद होए तो उहदी थां ते कह लो कि पापां दी बिरती कुछ इहो जी विचार राय ख्याल सोच आ जाए जिहड़ी बंदे नूं चंगीआं चॉइसिस बनाउण दी बजाए माड़े पासे प्रेरे, उस जगह नूं उहने ऑक्यूपाई कर लिया, वह है वेद पाठ मत पापां खाए।
जिहड़े पापां दी मत पई है साडी उस पॉकेट दे विच, जिहड़े ज्ञान दे ग्रंथ ते उहनां दा प्रकाश ते उहनां दी जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ, उहनां दा जिहड़ा सोझी है, उह साडे विचों उस हनेरे नूं खा जांदी है। अगला बचन है, उगवै सूर न जापै चंद। सीधी गल आ, जदों सूरज चढ़दा है रात खत्म हो जाती है, तो रात खत्म होने दे नाल जिसनू रात नू बड़ा लोकी प्यार करते लभदे चंद्रमा, जो कि हुंदा कि चन थोड़ी बहुती चाननी फैलाउंदा आ, पर सूरज दे मुकाबले तो कुछ भी नहीं गा ना। साडे सब दे कोल थोड़ा बहुता ज्ञान समझ सोझी तो हुंदी है, पर जो ज्ञान उन्हां रूहानी लोगों ने रूहानी ग्रंथ के रूप में रूहानी रचनावां ने देनी है, उहदे सामने तो कुछ भी नहीं। जदों उहदा सूरज उगदा आ तो फिर जिहड़ा साडी अपनी नासमझी का चंद्रमा छोटा जिहा, वह आपे छुप जाता है, वह लुक जाता है। असीं फिर उहदे ते बिलीव करदे हां, सूरज के उत्ते असीं उहदी रोशनी विच डिसीजन बनाउंदे हां, फैसले बनाउंदे हां। ये लिटरली तौर पर अर्थ कुछ आ रहे हैं। हुण भाव दे नाल वी दे नाल लै चलीए। दीवा सिंबल रहा है हमेशा ज्ञान का, सूरज भी सिंबल रहा है ज्ञान का। आप जे मोस्टली स्कूल्स दे एजुकेशनल अकैडमिक अदारियां दे लोगो देखोगे तो उहनां विच दीवा मिलेगा, सूरज मिलेगा, ये चीज़ जरूर मिलेगी कितना कितने उस रूप के अंदर, क्योंकि ये रोशनी प्रोवाइड कर दी है चीज़। होर इहनूं नैक्सट लैवल ते लै आईए, जो असीं गुरु ग्रंथ साहब या पोथी साहब नूं खोलदे हाँ, असीं इसनूं यह नहीं कहिंदे भी ग्रंथ साहब खोलो, असीं कहिंदे आ प्रकाश करो। हुण प्रकाश भाई कोई लाइट ऑन होएगी, कोई दीवा ऑन होएगा, तां ही ते ग्रंथ साहब पढ़े जाणगे। पर उस प्रकाश दे नाल जिहड़ा बाहर रोशनी है, असीं उसनूं ते चानण कह ही रहे हाँ, पर जो ग्रंथ साहब खोल रहे हैं पोथी साहब खोल, उन्हें कह रहे हैं प्रकाश कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर का प्रकाश है वो तो थोड़ा बहुत ही मदद करता है चीज़ां लभण पढ़न समझण दे विच, पर जिहड़ी चीज़ अंदर गवाची हुई है, जिसनों असीं गुरु साहब की बाणी इस तरह भी पढ़ते हाँ, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हज़ार, एते चानण हुंदे आ गुरबिन कोरे अंधार। सौ सूरज चढ़ जाए, सौ चंद्रमा चढ़ जाए, भाई फिर भी अंधेरा रहेगा। हुण इत्थे बात कीती गई कि जिहड़ा दीवा या सूरज है, ये नो डाउट बड़े हैल्पफुल ने, पर बहुत जगह ते उस तरह हैल्पफुल नहीं है। बाहर ते चीज़ां लभा देणगे, बाहर ते रोशनी होएगी, पर जिहड़ी अंदर चीज़ लॉस्ट हो गई, अंदर गवाच गया आ, जो चीज़ अंदर अज्ञानता दे रूप दे विच साडे अंदर वस रही है, उसनू बाहर दा दीवा किवें रोशन करेगा। इसलिए कहा गया अंदर का दीवा भी बालो, अंदर की लो भी लैके आओ। इन होर नू एक होर संसारी मैटाफोर के तौर पर लै लीए, भी सपोज एक कहानी नू मैं बात करदा हाँ, फिलोसफिकली कई बार गल पारी हो जाती है, पकड़ छाउण तो कई बार असीं विरवे रह जाने हाँ। कोई दो मित्र ने ते शाम के समय खाने ते कट्ठे होए ने, उन्हें चो एक मित्र बिल्कुल लिटरली ब्लाइंड आ, सुरमा आ, वह वेख नहीं पाँगा बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल रोशनी नहीं अखा दे विच है। शाम का खाने ते आया, वो देर रात तक गल्लां बातां करते रहे, खाना खादा, हुण वो विदा होण लगा है। जदों विदा होण लगा है, थोड़ी पुरानी पंजाब दे पेंडू कल्चर की गल लै लो, उस रूप दे विच उहदा घर मकान कोई एक दो गली कूचे छड के ही है नाल। जो दोस्त उसका यजमान है, जिदा मेहमान बनया, वो कहिंदा भी सजना मैं तैनू छड आउणा, वह कहिंदा गल ही कुछ नहीं है, मैं भेतियाँ राह दा, क्योंकि राह अक्सर भेती हो जाते, मैं पता है किन्ने कदम किधर तुरना है, किस तरीके मैं पहुँच जाना, मैं रोज़ इतने इन्ह गलियों सफ़र करदा। वो कहिंदे देख लै मैं छड आउणा, कहिंदा नहीं नहीं कोई गल नहीं मैं चले जावांगा। जदों यजमान दोस्त उस मेहमान नूं विदा करन वास्ते दरवाजे तक आया, देखा नेरा बड़ा काली कुप मस्या की रात, वो कहिंदा मित्रा हनेरा बहुत ज़्यादा है किवें जाएगा। वो जो ब्लाइंड आ, जो अखां तों जिन्हों दिसदा नहीं गा,
वो दोस्त हस के कहिंदा है, कहिंदा नेरा चानण तुहाडे वास्ते है, मेरे वास्ते कुछ नहीं है। मेरे लिए तो की दिन तो की रात एको ही फर्क है कि घट नेरा तो की वध नेरा। मैं तो टोक ही जाना, मैं तो रोज़ जाना, कोई ऐसी गल नहीं, चिंता ना कर, मैं पहुँच जाना, मेरे लिए कोई वड्डी चीज़ नहीं है। उन्हें फिर भी लगा नहीं ऐसा नहीं गा, नेरा बहुत है। उसने अंदरों दीवा बाल के उहदे हाथ ते रख दिता। वन्ना दोस्त ब्लाइंड जिहड़ा आ वो कहिंदा अपने उस यजमान दोस्त नूं की कर रहा है, ये दीवा मेरे किसे काम नहीं गा। वो कहिंदा मैनूं पता है, मैनूं तो दिसदा ही कुछ नहीं, तो मैं दीवे का की कर रखा। लगा मैनूं पूरी तरह पता है दीवा तेरा किसे काम नहीं आना, पर सज्जना दीवा तेरे वास्ते तो बालिया ही नहीं गा। ये दीवा बालिया जिहड़े तेरे वल्लों आ रहे लोग ने या तेरे पिछों या तेरे अगों, उन्हां नूं पता लग जाए कोई जा रहा है, उन्हां नूं तो दिसेगा घट तो घट की रोशनी है, इस करके वह बच के तेरे तो जाणगे, तेरे च कोई टकराएगा नहीं, हनेरा बहुत है, दिसदा कुछ नहीं, हथ पसारे नज़र नहीं पैंदा। खैर उस यजमान दोस्त ने जिद की, मेहमान ने उहदी गल मन ली, हाथ ते दीवा रखिया, तुर पिया। अजे शायद एक गली या एक कूचा ही लंघिया होएगा, कितने मोड़ तो मुड़ रहा है, किसी ने लिया के सैकल मारिया विच बड़ी जोर ला के डिग पिया। वो जो सैकल सवार सीगा वह भी डिग पिया। जो डिग गया तो वह उची उची बोल रहा, उन्हों जिहड़ा अखां तो जिहनूं दिसदा नहीं गा, कह रहा वह भलिया मैं तन्ना सीगा, मैनूं तां अखां तो दिसदा नहीं सीगा, मैनूं तो मैं तो किसी च वजां ठीक है, तू तो तेरिया तखा काम कर दियाँ, सैकल चला के आ रहा सैं, तू तो सुजाखा ही होएगा सैकल चला रहा, वो इन्नी सट लगा दी आ, इन्नी बुरी तरह मारा ही सैकल लिया के। खैर वो जिहड़ा वो सैकल सवार सीगा उहनू जल्दी नाल उठाउंदा आ, उठाउंदा होया सॉरी फील करदा है, कहिंदा भाई नेरा बहुत सीगा, पता नहीं लगा, माफ़ी चाहांगा सट लग गई तेनों। वो कहिंदा तो मैनू भी पता नेरा बहुत सी, पर तेनों मेरे हाथ ते पिया दीवा भी नहीं दिसिया। उन्हें थोड़ा हाथ मारिया तो उन्हें भी टुटा हुआ एक दीवा मिल गया, तेल डुलिया हुआ हाथ ते महसूस होया। वो कहिंदा मैं इसे करके हाथ ते दीवा बाल के मेरे दोस्त ने रखा सी कि कोई आने वाले शख्स नूं, कई बार असीं गड्डी ते ड्राइव करते हो ना, चलो इत्थे ते हैडलाइट ही ऑन रहिंदियां ने हर टाइम, हर समय दिन दे समय भी, पर साढ़े आप नूं पंजाब या इंडिया दे एनवायरमेंट का पता होएगा, कई बारी हैडलाइट्स जिहड़ियां ने वो ऑन नहीं होंदियां, टू जिहड़ा टू व्हीलर आ उहदियां या कार दियां, तो लोग की करते कि जोड़े वो सिग्नल्स होंगे ने खास करके इंडीकेटर्स, उन्होंने जगा लेंगे ने, एमरजेंसी लाइट्स ऑन कर छड़ते हैं, वो फ्लैश करी जाती ने वार बार, ये राह नहीं दिसदा, ये आने जाने वाले पता लगता है एटलीस्ट कोई आ रहा है, कोई अगो जोड़ा है कोई मूव कर रहा है या कोई व्हीकल खड़ा है, तो बच के जाना है। इस रूप के हुण की होया जो ने हाथ देखा, हाथ से तेल लगाया, थोड़ा हाथ मारे, टुटा हुआ दीवा भी लभ गया। वह कहिंदा वीर तेनों अखां तो वाकई च नहीं दिसदा, कहने का बिल्कुल नहीं, मैं तन्ना है बिल्कुल, पर दीवा बाल के किसी ने ता ही रखा सीगा। वो साइकल सवार कहिंदा मेरे वीर गल ये है, दीवा तेरे हाथ ते जरूर रखा सी किसी ने, पर तेनों खुद नूं नहीं पता है दीवा कदों का बुझ गया सीगा, असले तू बुझिया दीवा ही हाथ से फड़ के तुरिया हुंदा सीगा, दीवा जगता हुंदा साइकल नहीं सी वजना तेरे विच, तू दीवा जो हाथ ते रखिया सीगा जरूर दीवा सीगा, तेल सीगा बिल्कुल दीवा ही सीगा, पर बुझिया सीगा। एक्चुअल लैवल ते है ते कहानी है ते एक बात है कहो पता है, पर साढ़े चो बहुतियां दे दीवे बुझे ही ने हाथ ते रखे ने बस तुरे जाने, भुलेखा ही है दीवा है हाथ ते, भुलेखा ही अकल है समझ है सोझी है, पता है मैनू दीवा नहीं है, दीवा बुझ गया। जे दीवा जगदा होए ते शायद सानू भी कुछ दिसे, जे सानू ना दिसे घट तो घट दूजियां नू दिसे कुछ साढ़े बारे, ये अलामत है। इसनों गुरु साहब ने बाणी च बड़े मार्मिक ढंग नाल चित्रिया है, साहब ने जो ये बयान किया, हम अंधुले अंध बिखै बिखराते, अंधुले अंध अन्नियां दे भी अन्ने, मतलब माड़े मोटे अन्ने नहीं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत भुलेखा पैंदा है, थोड़ा ब्लरी जिहड़ा हैगा विजन हैगा या थोड़ा इंपेयर्ड जजमेंट हैगी, नो नो नो, वी आर टोटली ब्लाइंड एंड मोर देन ब्लाइंड, हमें अंधुले अंध बिखै बिखराते,
जो नहीं खाना जो नहीं करना वो करी जा रहे हो, खाई जा रहे हैं। हुण इस हालत विच कौन बचाए सानू? इहदे लई तेही है कि जिहड़ा असल दीवा आ वो बालण का कोई सोर्स लभ सके। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च आ जाओ। अगे महाराज ने कहा, वाकया ची दीवा बालना चाहुण? हाँ बाबा, जे दीवा बलेगा तो कुछ मैनों भी दिसेगा, कुछ किसी होर नूं भी विखा सकांगा। तो महाराज ने बचन लिखिया, पोथी पुराण कमाई है। ये पोथियां, ये पुराने रचनावां, ये लिखावटां कमाई कर इन्हां दी। हुण पोथी नूं कमाउणा की होएगा? आप सोच के देखो, सानू सरमाया ते कमाउणा आउंदा आ। वी ऑल नो हाउ टू अर्न आवर ओन पर्स, आवर ओन वैलेट, आवर ओन एक्चुअली मनी, वी नो दैट। बट डू वी नो हाउ टू एक्यूमुलेट नॉलेज? डू वी नो हाउ टू अर्न द रियल इन्फॉर्मेशन ऑफ लाइफ? ये जिहड़ी चीज आ ये कमाउण दी जाच आवे। पोथी पुराण कमाई है, फिर इकली कमाई एवें नहीं होंदी। बाबा जी कहिंदे, पौवटी इत तन पाई है। भौ दी वट्टी तन विच पाई जाए, ये दीवा बालना है ना। निर्मल पाए भाव बंदे दे जीवन विच होए। देखो, जिंदगी दो चीज़ां दा सुमेल है, रिस्पोंसिबिलिटी ते अकाउंटेबिलिटी। जिथे बंदा अपने कीते अमल दी जिम्मेवारी समझेगा, गलत अमल नहीं होए, पता जवाबदेह अकाउंटेबिलिटी आउंदी इहदे विचों। जिथे पता आ करना मैं आ, भोगना किसी ने आ, हू केयर, चलन दिओ अनेरे च। सपोज पैर मेरा आ, ठोकर लगेगी, पीड़ मैनू होनी है, बचाव होने की उम्मीद आ। जो पता ही नहीं पैर मेरा आ, कित्थे वजेगा, किनू पीड़ होएगी, की होएगा। इस धरती दे उत्ते सब तो वड्डा पाप की है? दिल खराशी। लोकी पुराने समय तो या तो बुत प्रस्तगी करते या बुत शिकनगी करते। कुछ लोगों ने बुत बनाए, कुछ लोगों ने बुत तोड़े, धर्म ही रह गया, बस इन्ना ही धर्म है। तुसी पूरे मिडल ईस्ट तो लैके तो एशिया तक चले जाओ, यू कैन सी ओनली टू थिंग्स। वन स्टैबलिशमेंट is making some sort of statues and another one is destroying it. That's it. That is the whole history. Ek but bana ke la reha, dujja but tod reha. Jinnan de but kal tut rahe sige, jadon ajj prastgi ch aage but phir jod rahe ne. Matlab tusi kuch vi nahi badlya, nothing. Ede dwale sari kahani chali ja rahi, sare di sare. Banda ya but pooj reha hai ya but tod reha hai. हाँ, सिखी की ग्लोरी इस तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट आ। ना ये बुत शिकन ने, ना ये बुत प्रस्त ने, ना बुत तोड़ रहे ने, ना बुत पूज रहे ने, बल्कि एक हायर लैवल से मनुख को लेके जा रहे ने। वो मनुख जिंदगी का मकसद सिर्फ इन्ना नहीं है। बंदा कहिंदे ने, उन्ने बंदे ने बुत तोड़े नहीं जिन्हें दिल तोड़े ने। दिलों के जज्बातों नाल खेडना। आप कदी बाणी नूं पढ़ो ध्यान नाल। मैं तो अक्सर आनंद कारजां दे उत्ते या यंग बच्चियां नाल प्री मैरिटल काउंसलिंग्स दे विच गल्लां बातां करदे आं, गल्लां वेखदा आं। लावां दा पाठ पढ़ो। तुसी दो जीआं दा विआह हो रहा है, गुरु रामदास साहब रचना उचार रहे ने। रचना की है जी? हर पहलड़ी लाव प्रवृत्ति करम दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम ते आओ, सिमृत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किलविख पाप गवाया। तुसी देखो वार वार धर्म आ रहा है, वार वार किलविख पाप, इहदी तलांजलि दी गल हो रही, वार वार रैपीटेशन हो रही है। धर्म दृढ़ करना आ, पाप का त्याग करना आ,
मैनू तो हुण वरिया दे वरे हो गए इस नॉर्थ अमेरिकन एनवायरमेंट च रहिंदे आ, एंड आई हैव रिसीव्ड सो मैनी कॉल्स. व्हेन पीपल आस्क आई ऑलवेज से सम सॉर्ट ऑफ टिकलिश क्वेश्चंस विच व्हेन आई लिसन व्हेन आई हियर मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई एम नॉट लाफिंग आउट लाउड बट आई एम लाफिंग इनसाइड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज इट. ये किवें दा सवाल है? पर सवाल तो सवाल ही होंदा. सवाल आएगा भाई साहब बड़े परेशान हाँ, समर आ गई है, कीड़ियाँ बहुत निकल दियाँ घर दे विच, की कीता जाए? भाई आई एम सो सॉरी, आई डोंट डू पेस्ट कंट्रोल बिजनेस एट ऑल, आई कैन नॉट हेल्प इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. नो, वी नो सो मैनी पेस्ट कंट्रोल्स, वी कैन एक्चुअली हेल्प, वी कैन गेट हेल्प फ्रॉम दैट, वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर दैट. देन वाई आर यू कॉलिंग मी? द कॉल इज कितने असं कीड़िया दवाई पा देंगे तो पाप तो नहीं लगेगा. कॉकरोचस पै गए ने किचन दे विच, कितने वो उन्होंने दवाई पा देंगे पाप तो नहीं लगेगा. कई चूहे मारन का पाप बड़ा लगता, ना चूहा नहीं मारना, बड़ा पाप लगेगा. तो मैं कई बार ये कहना हाँ, तुसी चूहे मारन का पाप तो नहीं खटना चाहते, तुसी कीड़िया मारन का पाप तो नहीं खटना चाहते. सच्चाई ये है जो तुसी किसी के जज्बातों नाल खेडते हो, चूहे जज्बात तोड़ते हो, तुसी जो तुसी बंदे नू मतलब मारन तो ही बत्तर कर देंदे हो. रिलेशनशिप दे विच बेवफाई की होंदी है? डिसलॉयल्टी. इस तो वड्डा पाप की होएगा? दिल खराशी, इहदा दिल तोड़ना, जज्बातों नाल खेडना, छोटी गल है कोई? हुण इह पाप है, इस पाप तो बंदा किवें बचेगा? देखो जे पता है ना कि जो भी मैं एक्ट कर रहा ये रिस्पोंसिबिलिटी बनेगी एक दिन, मेरी अकाउंटेबिलिटी होएगी, मेरी बचांगा. कौन अकाउंटेबल बनाएगा? रब. रब कितने रहिंदा? मेरी कॉन्शियस दे विच. यही वेद पाठ है, वाणी पढ़ते हैं, उपदेश सुनते हैं, इस रियलिटी नू, अल्टीमेट रियलिटी नू बंदा समझता है वो एग्जिस्टेंस की है. असल दे विच वो मना चेते रखी, जो बीजेंगा वो वड्डेंगा, जो सोच रहे हैं, जो एहसास रहे हैं, जो अंदर चल रहा है, जिन्ना मर्जी आले दुआले तो लुका लै, आखिरकार जवाबदेही तेरी है. पाप इत्थों कटदा, इत्थों बचदा बंदा, अदरवाइज कित्थे बच सकदा बंदा? गुरु बाबा जी ने बयान किया, पोथी पुराण कमाई है, पॉवर्टी यतन पाई है, सच बूझण आण जलाई है. इस सच नूं बुझ, ये है दीवे नूं मैच करना है, दीवे नूं माचस लाउणी, इस रूप दे विच सच बुझना है. बाणी ये भी चीज है, जिवें असी बाणी च पढ़ते हाँ कि काम पड़े हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित. बंदे नूं काम दिसे गरज नेड़े होए, बंदे नूं रब भी चेते आउंदा, गुरु भी चेते आउंदा, बंदा गुरुद्वारे भी पहुँच जाता है, बंदा धर्म मंदिर भी पहुँच जाता है, भी चलो कुछ प्रेयर ही करिए, प्रार्थना करिए, हो सकता कोई काम हो जाए. काम पड़े हर सिमरी है, काम पए तो हरी की समृद्धि करता है बंदा. पर बाणी वार वार ये कहती है, एवें क्यों करता है? ये कोई तू चंगा व्यापारी नहीं गा, ना ये कोई व्यापार बहुता चंगा नहीं, क्योंकि तेरे मन में भी पता तू चीट कर रहा. तू छड़ पर किसी और ना पूछने जा, तेरा मन कह रहा, तेरा विश्वास कोई नहीं गा. अज जस्ट सम सोर्ट ऑफ सुपरस्टिशियस थॉट है तेरे अंदर. असल विश्वास हुंदा ते मैं क्यों हुंदा? हर वक्त तेनू चेते हुंदा, हर वक्त तेनू याद हुंदा, फिर तो तेरे अंदर भाव होना चाहिदा सीगा ना कि जो सुख दें तां तुझे आराधें, दुख भी तुझे त्याई, जे भुख दें तां इत ही राजां, दुख विच सुख मनाई. फिर ते आ भाव हुंदा कि दुख ते की सुख, ते फिर तेनू अज दुख दुख भी ना लगदा, फिर तेनू समझ आउंदी कि
दुख दारू सुख रोग पया, हुण ते बात बदल गई। बल्कि तैनूं समझ इस गल दी भी आ जांदी कि नानक बोलण चखणा दुख छड मंगीए सुख, ये झख मारन तो बिना होर कुछ भी नहीं। दुख छड मंगीए सुख, की दुख ते की सुख, ये ते जीवन दा एक धुप छां दा रिश्ता आ, बदलदे मौसम दा रिश्ता आ, कदी स्नो आ कदी समर आ, दैट इज द थिंग। सो इस करके क्या गया कि जिन्हों समझ आ गई उन्हें इस रूप च एहसास लिया कि दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ये दर दे कपड़े ने, ये ते मैं पा रहा ते हंडा रहा, कदी एक धो के पा लिया दूजा प्रेस हो रहा है, कदी दूजा आएगा पहला चला जाएगा। जीवन इस तरह ही चलता है। यही ज्ञान है, यही समझ, यही सोझी है, ये सच है। इस सच की पकड़ जो धर्म ग्रंथा चो आ जाए जीवन एक हायर लैवल ते आ जाता है। पर ये गल ऐसी है, बाबा कबीर जी कहिंदे किन्नू कहिए ते किन्नू समझाइए। देखो एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है, बाबा कबीर जी का बचन, वो कहिंदे कि राम पदार्थ पाए कै कबीरा गांठ न खोल, क्यों नह पटन नह पारखू नह गाहक नह मोल। इदा कोई पारखू नहीं गा, इदा कोई गाहक नहीं गा, इदी कोई मंडी नहीं कि पटन नहीं लगती, कोई बाजार नहीं लगता, तो सच्चाई ये है, इदा कोई मुल भी नहीं गा। ये ते है एक अचंभो देखिया हीरा हाट बिकाए, बणजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। एक कौडी दे मुल दी चीज नहीं है। जी कौन सुनना चाहता है इनू, कौन इनू परसीव करना चाहता है, प्रोसैस करना चाहता है, अपलाई करना चाहता है। पर यही ज्ञान है, इहदे तो बिना मत पापा उत्तों बाहर ना निकलेगी। वो मैल साडे सारे मन मंडल नू ऑक्यूपाई कर लेगी। तो जदों मैल किसी चीज़ नू अपने कंट्रोल च कर ले, ऑक्यूपाई कर ले, वो फिर जिहड़ी क्लिंजीनैस आ, जिहड़ी सफाई है, जिहड़ी रियल सिचुएशन आ, असलीयत आ, उसनू वापस थोड़ा आउण देगी। इहदे कुदरत दे नियम ने। हुण उहदे विच जदों चीज़ आ गई फिर तो बंदा गया। पर गुरु बाबा जी कहिंदे जे होप रखदा आ, जे होप वास्ते तेरे अंदर है जगह, तो मैं तैनूं दसदा हनेरा जिड्डा मर्जी पुराना होए वड्डा होए, जो तो एक दीवा बल जाए तो हनेरा मुक जाता है। इहदी मिसाल दित्ती, इहदे विच दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद वेद पाठ मत पापा खाए, उगवै सूर न दिसै चंद, जह ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत। जिथे ज्ञान का प्रकाश होया नहीं गा, अज्ञान मिटदा लगा गया। पीढ़ियां तो प्या होया अज्ञान, सालां तो प्या होया अज्ञान, मिट गया जदों बंदे नूं इह रोशनी दित्ती गई। छोटी जी मिसाल देना, आप अपने जीवन में तुसीं आप चात मार सकते हैं, कैसी दशा होएगी समाज की। जदों समाज यह सोचता होएगा, अर्थक्वेक हुंदा आ, तो अर्थक्वेक होण दा कारण की है, धरती च कंपन आउंदा आ, तो कांप आउंदा है। किसी ने कहा इह धरती किसी ऑक्सन दे हॉर्न दे उत्ते, किसी बौल्द दे सिंग दे उत्ते रखी गई है। वो थक जांदा है, थकिया होया सिर हिलाउंदा है, धरती हिलदी है, भूकंप आ जांदा है। लोकां ने हजारां हजारां साल इस चीज़ नूं मन्निया, प्रवान कर लिया। होया कि ये पहली बार उस खित्ते च किसी ने आवाज दे के कहा कि सोच रहे हो, तौल धर्म दया का पूत, वो दुनिया के लोगो, ये धरती टिकी जरूर है पर किसी सिंह ते नहीं टिकी, ना ना ना, ये धरती टिकी है धर्म ते। धर्म नू फॉलो करो, ते धर्म सच है, सच नू फॉलो करो। इस सच की नुहार तक पहुंचना है तो फिर इको चीज थोड़े जीवन चाहिए है, दया कंपैशन। मनुख मनुख तो टुट गया, मैं बेनती की सिखी ने ना बुत तोड़े ना बुत पूजे,
क्योंकि सिखी ने कहा मैं कागज़ दे जिमें कैलेंडर हुंदे ने साडे घरां च बुत प्रस्तगी होर तरीके नाल आ रही है, कैलेंडर ला ले, फोटो ला लईआं, या मैटल दे बना ले, मिट्टी दे बना ले, संगे मरमर दे बना ले, लक्कड़ दे बना ले, मैं ये बुत बना के पूजांगा। कुछ बुत करतारी हस्ती ने भी तो बनाए ने मनुख, क्यों ना मनुखां विच बैठे हुए नूं वेखां, ते मनुखां विच बैठे हुए नूं वेखांगा की वेखांगा, उन्हां दे दुख सुख दा भाईवाल बनांगा। किसी के सुख में वेख के ईरखा च मर रहा वा कोई धर्म नहीं, किसी के दुख में वेख के खुश हो रहा या पासा वट रहा, यू नो लैट हिम और हर सफर विद इट, लैट्स गो अवे, इट्स नॉट माई पेन, इट्स नॉट माई एक्चुअली थिंक, लैट दैम डील बाय दैम सैल्स, वेयर इज द एम्पथी। जिहड़ी ये चीज आ कंपैशन, इत्थे ए धर्म टुटदा आ। धरती भूचाल आउण दे नाल, भूचाल आउण दे नाल, भूकंप आउण दे नाल, फ्लडिंग होण दे नाल, ड्रॉट पैण दे नाल, इहदे नाल नहीं मरदी, ना ना ना, धरती ते जीवन मनुख दा उदों मरदा जदों मनुख चों मनुख मर जांदा, मनुखता मरदी है जदों। COVID-19 आ, जे असी कंपैशनेट हो के एक दूजे के दर्द नू वेख के जिन्नी जल्दी इस चीज़ विचो मनुखता वाला रूप अपना अख्तियार करके एक दूजे की सपोर्ट करांगे, हैल्प करांगे, बांह फड़ांगे, बाहर आ जाएंगे। जे आप मुहारे हो के तुरंगे पशु बिरती दे विच मारे जावांगे, यही बचाउंदी है चीज़। सब कहिंदे इस चीज़ नू समझ, बाकी मदर नेचर दा लाया धरती दे अंदर सतह दे विच कैमिकल रिएक्शन होंदे ने, हिलदी है, इहदे च वक्रे वक्रे ज्वालामुखी फटदे ने, इह सब चीज़ां होंदियां ने। पर इस अग्ञान नू लोक किन्ने किन्नियां पुश्तां ढोंदे रहे भी सिंग बदलन नाल सब चीज़ां होंदियां रही। इस करके ये जिहड़ा इन्ने हजारां हजारां सालां दा अग्ञान सीगा, गुरमत दी इक चिंगारी फुटी है, बात समझ आ रही है। किन्ने हजार करोड़ साल तो लोग गंगा दे कंढे जा के चढ़दे सूरज नूं पानी दे के सोचते सी कि साडे पितर देश पानी पहुँच रहा है। जिहड़ा बाबा जी ने वचन कहा ना कि उगवै सूर न जापै चंद, दीवा बलै अंधेरा जाए, लेंदे पासे पानी देता, बिल्कुल उस तो ऑपोजिट। लोग हस पे की कर रहे हो, इधर नूं तां बाबा जी ने नहीं कहिंदे इधर नूं देना, कहिंदा हद हो गई, इधर नूं क्यों नहीं देना। कह लगे पुछदे उन्हां नूं तुसीं क्यों दे रहे हो इधर नूं, कहिंदा हो तैनूं पता नहीं हैगा, पता असीं अपने पितर देश पानी पहुँचा रहे हैं। बाबा जी कहिंदे फिर बिल्कुल ठीक है, मैं इधर ही देवांगा, क्यों? कहिंदे मैनूं पितर देश पानी देने की लोड़ नहीं, क्योंकि मेरे तो खेती सुक रही है इत्थों कुछ 100 मील की दूर से पंजाब दे विच, मैं तो पानी उन्हूं दे रहा। वो हस पे कहन लगे पानी उत्ते नहीं जाता, पानी पैरों च डिग रहा। बाबा जी कहिंदे सच्ची रियालिटी पानी पैर टेक रहे उ नहीं जा रहे? कहते ना बिल्कुल नहीं, खेती सुकी होगी उत्थे। बाबा जी कहें फिर क्यों नहीं अपने आप को दसते? पानी किसी सूरज को नहीं जा रहा, पानी धरती से डिग रहा थोड़े को। रैशनल माइंड लिया, लॉजिक लिया, यह है उगवै सूर न जापै चंद, फिर क्या जह ज्ञान प्रगास अग्ञान मिटंत। जिथे यहोजी रोशनी आ गई उथे अग्ञान की थां रह गई। पर अनफॉर्चुनेटली ये है कि जिन्हां दे कोल पोथी का प्रकाश है, जे उन्हां दी सुरतित तक ना पहुंची, जिन्हों साहब ने कहा वेद पाठ संसार की कार, एक कैवें संसारी कार जी कर ली असी, एक रिचुअल कर लिया, पढ़ पढ़ पंडित करें विचार, बड़े स्कॉलर मुजदने वर्गे लोग, व्याख्या करने वाले भी, बड़े बड़े स्रोते सुनने वाले भी, बट एंड ऑफ द डे इफ वी आर नॉट applying it, if you, we are not executing it properly, manifesting it in our lives, we cannot get results. That is the harsh reality. Even though we have the very golden message from our Guru, but the thing is, we have to follow it. We have to adopt it, accept it, process it. Babaji is saying, भाई पढ़ पढ़ पंडित करें विचार,
बिन बूझे सब होए खुआर, बिना बुझण तो खुआरी है भाई, रुलना है, सफरिंग है। नानक गुरमुख उतरस पार, हे नानक गुरु वल मुँह करन वाले पार उतर गए, बिड़ा पार लग गया। साहब रहमत करन इन आलमी वाक्य जो चंगेरी प्रेरणा मिले, असी गुरमती हो सकीए। इन्हीं एक बिनतियां नाल खिमा ढाडी वीर आए ने, अगली सेवा तुहाडी ये करनगे। मैनूं इत्थे इजाजत देनी, कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।